अब स्वराज आ गया और भी दमदार और शानदार, जो कि काफी ज्यादा शानदार 4WD ट्रैक्टर है। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं स्वराज 855 और स्वराज 963 का टक्कर, जिसमें कौन सा ट्रैक्टर सबसे ज्यादा अच्छा है आपको दोनों में देखने में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो किसान वीर हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और पास में वाली घंटी भी जरूर दबाएं। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वराज 855 का ओवरव्यू, जिसमें सामने से आपको इस तरह से लुक दिखाई देगा, जो कि 52 HP 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है, जो कि इसका क्लच भी आपको ऑप्शनल मिलता है। तो इस तरह से आप फीचर देख सकते हैं सामने से किस तरह से आपको देखने को मिलता है। टायर आपको पीछे का टायर 16/28 मिलता है, उसमें सामने ही लिखा हुआ मिलता है स्वराज 855 FE, और ये 4-star 5-star मॉडल के साथ आता है, और इसमें आप देख सकते हैं इसका। उसके बाद हम देखेंगे स्वराज 963 का आगे से ओवरव्यू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 60 HP 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर है ये। तो इस तरह से सामने से आपको लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक शानदार देखने को मिलेगा। इसमें आपको वेट लगाने का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे ट्रैक्टर बिल्कुल भी नहीं उड़ता सामने से। तो इस तरह से देख सकते हैं एकदम लाइट भी एकदम अट्रैक्टिव बनाया गया है दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ट्रैक्टर में, इसका पूरा रिव्यू इसमें सामने ही लिखा हुआ मिलता है, बाकी कुछ बहुत सारा छोड़कर तो मैं इसमें हर चीज़ आपको फीचर बताऊंगा। वैसे प्रॉपर दोनों का वीडियो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। वही हम अगर स्वराज 855 का ड्राइवर केबिन देखें तो हमको देखने को मिलेगा डिजिटल मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर पावर स्टेयरिंग के साथ मिलता है, और स्टेयरिंग में आपको लोगो देखने को मिलेगा स्वराज, जो कि स्वराज कंपनी की है, और ऑटोमेटिक एडजस्टेबल एक्सीलेटर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, जो कि साइड गियर, इसमें सामने गियर आपको देखने को मिलता है। इसमें साइड गियर की बहुत ज़्यादा मांग है, लेकिन साइड गियर क्यों नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसानों की मांग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस ये पंजाब में है 855 मॉडल। तो इस तरह से आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल मिलेगा, इंजन सीसी आपको 3307 मिलेगा, और टूल बॉक्स भी आपको पीछे देखने को मिलता है, और ब्रेक आपको ड्राई टाइप और एयर दोनों आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। क्लच काफ़ी स्मूथली है, और बाकी आप देख सकते हैं सामने गियर के हिसाब से दिया हुआ है, जो कि हर तरह से किसानों के हिसाब से ही बनाया गया है। इसमें PDO रिवर्स भी आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शनल में मिलेगा 540 और 1000 दोनों में आपको देखने को मिलेगा, और इसका सीट भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार देखने को मिलेगा। इसका आप प्रॉपर वीडियो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं स्वराज 855 का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फीचर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। वही हम अगर इसका फीचर देखें स्वराज 963 का ओवरव्यू देखें, तो इसमें भी आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, और डुअल क्लच मिलता है। इसमें भी आपको पावर स्टेयरिंग देखने को मिलता है, और ये देख सकते हैं मेले में मैंने कवर किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रैक्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई थी मेला में। तो इस तरह से इसमें स्विच कंट्रोल मिला है, इसमें आपको गियर भी वही देखने को मिलेगा सेम, इसमें 12 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स देखने को मिलेगा, 855 में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स है मतलब ये, और इसमें आपको साइड गियर देखने को मिलेगा, जो कि साइड गियर में मेन बात होती है, इसमें सामने का स्पेस काफ़ी ज़्यादा बचता है, जिससे चलाने में भी मज़ा आता है, बैठने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से साइड गियर में फ़ायदा हमको मिलता है। तो इस तरह से देख सकते हैं इस गियर बॉक्स है, 540 रेटेड RPM मिलता है, इसमें फ्यूल टैंक आपको 60 लीटर मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे का टायर 16/28 देखने को मिलेगा, और इंजन रेटेड RPM इसका 2100 देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरह से आप स्वराज 963 का देख सकते हैं। और हम स्वराज 855 का पीछे से व्यू करें तो हमको देखने को मिलेगा प्लेनेटरी गियर, और इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर आजकल बहुत उपयोगी हो गया है हर किसानों के लिए, क्योंकि आजकल जेक वाला आ गया है ट्राली, तो इसलिए डबल डिस्ट्रीब्यूटर हर ट्रैक्टर में हो गया, और काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा ट्रैक्टर है। इसका टोटल वेट आपको देखने को मिलेगा, इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी 1500 kg मिलता है, और इसमें हम देखें स्वराज 963 में तो आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको 2200 kg मतलब बहुत अंतर है दोनों में लिफ्टिंग कैपेसिटी में। 16/28 इसका पीछे का टायर है, एयर फिल्टर आपको ड्राई टाइप मिलेगा, और इसमें आपको स्पीड मिलेगा सामने मैक्सिमम स्पीड 31 मिलेगा, और पीछे का स्पीड आपको 10 मिलेगा। तो इस तरह से आपको दोनों का फीचर समझ आ गया कि इस तरह से फीचर आपको देखने को मिला। इसके बाद हम प्राइस की बात करें तो स्वराज 855 का 2-व्हील ड्राइव का प्राइस है 7,20,000, और 4WD में आपको देखने को मिलेगा 8.5 लाख। वही हम अगर स्वराज 963 का देखें तो प्राइस आपको देखने को मिलेगा 8.5 लाख, जो कि 4-व्हील ड्राइव का प्राइस है,
तो इस तरह से आपको फीचर देखने को मिलेगा। तो किसान वीरो वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और एक कमाल कर देना, शेयर भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।